ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और आज का जो लेक्चर है वो है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि मल्टीपल इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट, और आउटपुट उसके कितने होंगे? अ सिंगल आउटपुट, एक अकेला आउटपुट होगा। तो मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं हमारे पास, मल्टीप्लेक्सर जो है वो 8:1 के रेशो में भी होते हैं। 8:1 के रेशो का मतलब है 8 इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। 4:1 के रेशो में भी होते हैं, इट मींस दैट 4 इनपुट्स और एक सिंगल आउटपुट, और 2:1 के रेशो में भी होते हैं, एंड सो ऑन। 2, 4, 8, 16, 32 मल्टीप्लेक्सर ये हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये आईसी है, ये हमारे पास है 74151 की आईसी। ये आईसी है 8:1 मल्टीप्लेक्सर की, विच हैज 3 सिलेक्ट इनपुट्स। अब सिलेक्ट इनपुट का काम क्या होता है ये देख लेता हूँ। फॉर सपोज मैंने I6 के ऊपर इनपुट दिया हाई 1, तो मेरे पास Z उस सूरत में 1 आउटपुट देगा या हाई आउटपुट देगा जब मेरे पास सिलेक्ट की जो पिन्स हैं वो भी 6 को ही सिलेक्ट करें। चलिए एक मीन्स दफा फिर समझाएंगे सर। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैंने 6 पे इनपुट दिया 1 और मैंने सिलेक्ट की पिन्स पे तीनों को 0 दे दिया, तो तीनों 0 का मतलब क्या होता है, कोई बताए मुझे? हेलो, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने सिलेक्ट की तीनों पिन्स पे 0 इनपुट दिया है तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो का सिलेक्ट हो जीरो, जाएगा ना। बिल्कुल 0 आएगा। अगर मैं 0, 0, 1 देता तो 1 आता, ऐसा ही है। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने अगर 6 पे 1 इनपुट दिया है तो वो चेक करेगा कि जो सिलेक्ट पिन्स है क्या उसका जो इनपुट है वो 6 बना रहा है। अगर तो वो भी 6 बना रहा होगा तब जाके वो जेड पे 1 आउटपुट करेगा, मतलब हाई आउटपुट करेगा, नहीं तो वो जेड पे लो आउटपुट करेगा। ये बात अभी और क्लियर होगी, एक मिनट। मतलब यस एंड सर। गेट टाइप का काम हो रहा है, अब इस चीज का एंड गेट टाइप का काम हो रहा है, एंड गेट, क्योंकि वहां पर भी वन चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। एंड गेट का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ एंड गेट नहीं। अब जैसे नहीं सर, मतलब सपोज, उसका टाइप का हो रहा है ना। हाँ उस टाइप का, और अब यहाँ पे आपको और क्लियर समझ में आएगा। सर दो दफा 6 देने का क्या फायदा है, एक ही दफा दे 6 बिल्कुल देने का तो बिल्कुल, भी अब काम तो बन ही आपको जाएगा। बिल्कुल 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 बता रहा हूँ। अब आप ये वाली ये पढ़ो, जो मैंने हाईलाइट किया इसमें, और इसकी सबसे आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सर अलाउ करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सच एज वीडियो ऑडियो एट द सेम टाइम यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। अब आप इस बात को समझें कि फॉर सपोज 6 के ऊपर मैंने अगर कोई वीडियो भेजी है और उस टाइम के ऊपर साथ में कोई ऑडियो, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ अभी और मैं अगर अभी अपना वीडियो भी ऑन कर लूँ तो मेरी दोनों चीज़ें एक साथ जाएंगी? मल्टीपल इनपुट्स एक साथ जा रहे हैं और आउटपुट का मीडियम मेरा क्या है? एक ही है, जो यहाँ इंटरनेट का वायर है इसी से आउटपुट निकल रहा है मेरा। तो दोनों चीज़ें साथ सिंक्रोनाइज होकर जा रही हैं, ये काम है मल्टीप्लेक्सर का। अब समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे ये वर्क किस तरह करता है ये देख लो आप लोग। फंक्शन टेबल में जब आप इनेबल को हाई रखोगे तो ये कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर एक्टिव लो पे इनेबल होता है। ये देख लो एक्टिव लो है। तो जब आपने मल्टीप्लेक्सर पर इनेबल को लो किया, ये सारे जो लो हुए हैं, तो जाके इस मल्टीप्लेक्सर ने अपना वर्क शुरू किया। अब सबसे पहले ये देखो, दो आपको इनपुट दिख रहे हैं, दोनों लो हैं।
अब ये दो लो इनपुट देने का मकसद क्या था, समझाने का मकसद है सिर्फ कि अगर आप ए और बी दोनों को लो दोगे, ए और बी अगर दोनों लो होंगे तो क्या होगा हमारे पास, फिर बताए जीरो जीरो होंगे, मतलब दोनों जीरो होंगे तो इट मींस रिजल्ट मेरे पास जीरो आ रहा है। तो अगर मेरे पास रिजल्ट जीरो आ रहा है और जो मेरे पास इनपुट पिन है सी नॉट उस पे रिजल्ट लो दिया गया है तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, लो। अगर मेरे पास सी नॉट पे आउटपुट हाई, इनपुट हाई दिया गया है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, हाई। ये वाली बात समझ में आई सबको, तो जिसको नहीं आई पूछो। नहीं सर वापस समझा दे, वापस समझा दे। हाँ सर ये समझ नहीं, ठीक है अभी इस पे समझाता हूँ मैं, यहाँ नीचे कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर विजिबल है, अब यहाँ पे आप नीचे देखो सर रेड ही है, चलो ब्लू से अवेलेबल है। यस सर, यस। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों के ऊपर अगर हाई इनपुट दिया, इट मींस दैट दोनों के ऊपर क्या इनपुट दिया, वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है, बी थ्री। वन वन का मतलब है कि थ्री उसने सिलेक्ट किया है, तो अगर तो मेरे पास सी थ्री के ऊपर हाई इनपुट आएगा तभी वो रिजल्टेंट हाई दिखाएगा, अगर सी थ्री के अलावा कहीं और इनपुट है तो वो लो ही दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सी थ्री पे हाई है, अगर उसने सी थ्री पे हाई सिलेक्ट किया मतलब वन दिया है तब वो रिजल्टेंट हाई दिखा रहा है, और अगर सी थ्री के ऊपर हाई नहीं लो है तो उसने क्या दिखाया आपको, लो दिखाया। अब बात क्लियर हुई? यस सर, सही है। सर ऐसा हो क्यों रहा है ये बता दें, ये तो समझ में आ गया। क्या चीज हो रहा है, सवाल आपको सुना नहीं मैंने, क्या क्या चीज क्यों हो रही है सर? जैसे ये आपने बताया ना कि सी नॉट पे लो दिया है और आउटपुट जो है वो लो आ रहा है, अगर हाई दिया है तो हाई आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीप्लेक्स का नाम क्या है, मल्टीप्लेक्सर, इट मींस दैट मल्टीपल इनपुट्स आएंगे। वो मल्टीपल इनपुट्स कहाँ कहाँ से आएंगे ये देखें, एक तो आपके पास इनपुट पिन से आएंगे जो कि आई नॉट से आई सेवन है, ठीक है, और दूसरे आपके पास से आएंगे सिलेक्ट पिन से कि क्या वही इनपुट सिलेक्ट किया गया है जो इनपुट दिया गया है, अगर तो ये दोनों मैच करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आउटपुट आएगा, मींस वो चीज आगे फॉरवर्ड होगी। अगर तो आपके पास इनपुट टू दिया गया है और सिलेक्ट में सारी पिंस वन कर दिए तो इट मींस सारी पिंस वन का मतलब है सेवन, सिलेक्ट हो रहा है सेवन और आपने इनपुट दिया है टू पे, तो वो चेक करेगा कि सेवन के ऊपर इनपुट हाई आया हुआ है, नहीं आया हुआ लो आउटपुट, कोई आउट मतलब कोई आगे चीज फॉरवर्ड नहीं करनी, ये हो रहा है सर। जी जी सर, अभी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी कनेक्ट हूं सर, जो आपने पढ़ाया वो दोबारा पढ़ा देंगे, ये जो मल्टीप्लेक्सर के बाद वाला जो एप्लीकेशन है मल्टीप्लेक्सर, ये तो मैंने ये लाइन सबको पढ़ने बोली थी, ये देखो जो हाईलाइट कर रहा हूं दोबारा पढ़ो इसको, मल्टीप्लेक्सर अलाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इसका मतलब ये है कि भाई मैं अभी बोल भी रहा हूँ और मैंने अपनी वीडियो भी ऑन की हुई है, दोनों चीजें एक टाइम पे ऑन की हुई है, क्या ये सिंक होके आगे जा रहा है, ये चीज चेक कर रहा है सर। जी सर, मुझे पूछना था कि आपने कहा दोनों चीजें सिंक होके जा रही है, तो लेकिन इस आईसी के थ्रू तो कोई एक चीज आगे फॉरवर्ड हो रही है, तो सर आप कह रहे हैं ऑडियो भी जा रही है? नहीं, दोनों चीजें जा रही है, दोनों चीजें जा रही है। देखो भाई यहाँ पर वो कैसे, मतलब कैसे, बिल्कुल बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप सपोज करो इनपुट आ रहा है आपके पास आई फाइव पे, ठीक है, जो कि हमारे पास वीडियो इनपुट है, वीडियो सही है आई फाइव पे, तो क्या इसी वीडियो का ऑडियो इनपुट सिलेक्ट हुआ है या कुछ और सिलेक्ट हुआ है?
अगर तो ये ऑडियो इनपुट ही इस वीडियो का सिलेक्ट हुआ है तो उसको आप आगे ले जाओ, और अगर बीच में नेट रुका है या फिर आपकी ऑडियो रुकी है तो इस चीज को डिस्कार्ड कर दो। क्योंकि देखो जब हम ऑनलाइन क्रिकेट मैच भी देख रहे होते हैं तो अगर मैच थोड़ी देर के लिए रुकता है, आपका मैच नहीं रुकता, नेट रुकता है, तो वो क्या करता है आगे से शुरू कर देता है, पीछे वाली चीजें काट देता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सर का यूज हो रहा है सर। तो डिले काट देगा पूरा, जो डिले होगा वो काट देगा, डिले नहीं रखेगा सर। तो ऑडियो के लिए मतलब अलग आईसी है? नहीं, ये सेम है, दो चीजें एक टाइम पे इस पे जाएंगी, ठीक है, दो चीजें। अब वो कोई भी दो चीजें यूज क्यों होती है? ये आईसी यूज कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए होती है, टेलीफोन नेटवर्क के लिए होती है। ये भी पढ़ लिया टेलीफोन नेटवर्क, इस पे भी आपको वही बात बताएगा। मल्टीपल ऑडियो का मतलब है एक सर, ये ऑडियो और वीडियो वाली बात समझ में नहीं आई जो अभी आपने बोला था सर। फिर तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए भी यूज होती होगी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए देखो यहाँ सिग्नल्स वगैरह की बात हुई है तो बिल्कुल होती है, मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। सही बोल रहे हैं आप ये बात सर। इनपुट और वीडियो और ऑडियो वाली बात समझ में नहीं आई आपकी। देखो इन्होंने यहाँ पे बोला है ना कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, अलाउ करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सच एज ऑडियो वीडियो एट द सेम टाइम यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। इसमें मैं और कैसे समझाऊं? इसे अभी जो आपने चिप पे बना के दिखाया था कि इस पे वन आएगा अगर उस पाइप। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बना के दिखाता। मैंने बोला था कि अगर किसी ने 5 पे इनपुट दिया है वीडियो का और उसी टाइम पे वही सेम वीडियो चलते हुए बंदा कुछ बोलता भी है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वीडियो भी ऑन कर दूँ, दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी, तो वो चेक करेगा क्या वही चीज़ ऑडियो में भी यहाँ पर आ रही है सिलेक्ट पिंस पे। अगर तो ये दोनों चीज़ें 5 ही होंगी, मतलब सेम होंगी जो सिलेक्ट हो रहा है और जो इनपुट आ रहा है, तब जाके ये आउटपुट देगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगी तो आउटपुट जीरो आएगा। आउटपुट जीरो आएगा बिल्कुल। यहाँ पे ये देखें, दिखाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर मैं एक लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रही। अब इसमें देखें इनपुट क्या हुआ हुआ है, 0-1, मतलब बी पे लो है और एच पे हाई है, तो 1 इनपुट हुआ हुआ है, ठीक है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, सॉरी 1 सिलेक्ट हुआ हुआ है, और C1 के ऊपर इनपुट क्या आ रहा है, लो, तो आउटपुट क्या आएगा, लो। समझ में आई बात? नहीं सर, ये समझ में नहीं आई, टेबल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये देखो भाई एक मिनट, अब आ जाएगा समझ में। इनपुट क्या जा रहा है आप बताओ, सिर्फ इनपुट पूछ रहा हूँ, अभी सिलेक्ट नहीं पूछ रहा। सर इनपुट लो और हाई आ रहे हैं। किस पे, किस पे जा रहा है लो और हाई? सर लो बी पे जा रहा है, हाई ए पे जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ डेटा इनपुट देखो, वो सिलेक्शन इनपुट, डेटा इनपुट देखो किस पे जा रहा है, पिन बताओ कौन सी है। सर डेटा C1 पे लो जा रहा है। C1 पे जा रहा है, C1 मतलब 1 हो गया। यस सर। देखो 1 के ऊपर अगर मैं लो डालूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करूँ मेरे पास डेटा लो ही आएगा। अगर मैं C1 के ऊपर हाई डालूंगा, जैसे मैंने 1 दिया C1 के ऊपर, तो ये चेक करेगा क्या सिलेक्शन इनपुट भी 1 है। देखो आप सिलेक्शन इनपुट 1 है जी सर। अगर तो सिलेक्शन इनपुट भी 1 है और जो आपने इनपुट दिया है वो भी हाई है C1 पे ही, तब वो रिजल्ट देगा हाई। देख लो ऐसा ही हो रहा है। ओके ओके सर, अब समझ आई भाई? सही है। हाँ, स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्ट्रोक का मतलब है ये इनेबल की पिन है, इनेबल की पिन नजर आई आपको, ये वाली जी सर। अब इसके ऊपर देखो बबल लगा हुआ है, स्ट्रोक मतलब इनेबल है इधर, तो बबल लगने का मतलब ये है एक्टिव लो, ये एक्टिव लो है, तो इस जब आप इनेबल को लो करोगे तब जाके ये आईसी काम करना शुरू करेगी, उससे पहले काम भी नहीं करेगी। देख लो सर। जी जी
सर वो जुहेब की मेरे पास कॉल आई है, बोल रहा है मेरे घर की तरफ बारिश हो रही है तो मैं आपकी क्लास नहीं ले सकूंगा सर। वो यहाँ पर